Hi everyone, this is Aparajita from evidyarthi.in. So let's continue our last topic of chapter number 8, Women, Caste and Reform. ठीक है, so हमारा last topic है the non-Brahman movement. ठीक है, non-Brahman वो होते हैं जो जिन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जाता, जो किसी भी वर्ण में नहीं आते हैं, और वो लोग कास्ट प्रेजुडिस कास्ट इन सब के ऊपर बातें नहीं मानते हैं. वो लोग मतलब इन सब चीजों के बारे में विद्रोह करते हैं, ये सब चीजें खत्म करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ईवी रामस्वामी ने कर फ्रॉम मिडिल क्लास, इनको पेरियर भी कहा जाता था, मिडिल क्लास फैमिली से थे और संस्कृत स्क्रिप्चर्स, एंशियंट लॉ, मैनुस्क्रिप्ट, मनुस्मृता, गीता, रामायण, बहुत से अलग अलग तरीके की उन्होंने गाथाएं, जो गीता उपनिषद सब कुछ पढ़ रखी थी. लेकिन लास्ट में बोला क्या जाता था, तू तो मिडिल क्लास का है, तुम मिडिल क्लास के तुम्हें बैठ नहीं सकते, तुम खा नहीं सकते हमारे साथ. मतलब वी आर अम्बेडकर की बात करी जाए, ही वाज अ पीएचडी होल्डर, उनको बस पीएचडी थी, थीसरस भी होने वाली थी. यानी कि हम जब हमारे पास पीएचडी हमारी कंप्लीट हो जाती है ना, तो हमारे नाम क्या के डॉक्टर लग जाता है, इसलिए उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोला जाता था. ही वॉज अ पीएचडी होल्डर, स्टिल उनको अपनी जो स्टार्टिंग की जो लाइफ थी, इवन जब वो इंडिया में भी आए थे यूएस से, तो बहुत ज्यादा उनको प्रताड़नाएं मिली थी कि यहाँ मत बैठो, तुम अपना घड़ा अलग लेके आओ, पता नहीं क्या क्या चीजें थी. ईवी रामस्वामी नायडू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वो कांग्रेस के मेंबर थे और जब वो बैठक कर रहे थे, जब वो सीट्स पे बैठ रहे थे, तो उनके लिए अलग से सीट रखी गई, उनको अलग बिठाया जा रहा था, उनको अलग ग्लास में पानी दिया जा रहा था. ऐसे वो देख रहे हैं, ऐसे लग रहा था उन्हें कि क्या मैं क्या हूं, मतलब कोई जानवर वानवर हूं या फिर कोई पाताल वाताल से आया हूं जो मेरे साथ इतना ज्यादा ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ, एलियन है क्यों है. तो मतलब उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है. तो अनटचेबिलिटी यहाँ से आपको दिख जाती है, अनटचेबिलिटी उनको माना जाता था. ठीक है, गीता, रामायण, मनुस्मृति और इतनी सारे उन्हें बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी एजुकेशन को बढ़ावा दिया था, बहुत एजुकेटेड थे एंड ऑल्सो कांग्रेस के मेंबर थे. वेर ही मेट विद अनटचेबिलिटी, जैसे मैंने बताया उनके साथ कांग्रेस की वो जब बैठक में थे, तब उन्होंने वो जो एक छोटा सा सिचुएशन था, उस जो एक सिचुएशन में उन्होंने अनटचेबिलिटी को पता करा कि वो सच में होती क्या है. ठीक है, सो उसके बाद आता है फाउंडेड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एंड स्ट्रगल ओवर कास्ट सिस्टम. उसके बाद उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसको कहा गया सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. ठीक है, सो ये मूवमेंट करा गया, काफी ज्यादा स्ट्रगल्स करे गए एंड कास्ट सिस्टम का अबॉलिश हो गया, धीरे धीरे करके कास्ट सिस्टम खत्म करने लगे. अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे सुबह सुबह कूड़े वाला आता है. ठीक है, अब हमने उसे कूड़े वाला नाम दे दिया, क्या वो सच में कूड़े वाला कहलाना चाहिए, उसको तो सफाई वाला कहलाना चाहिए ना. अरे कूड़े वाला आ गया, दूर से ऐसे करके कूड़ा दे रहे हैं, या फिर अरे कूड़ा अपना ही घर का कूड़ा उठा के हाथ धो ले रहे हैं. मतलब ठीक है, कूड़ा उठा के हाथ धोना चाहिए, लेकिन उस इंसान से क्यों इतना ज्यादा दूर जा रहे हो जबकि वो तुम्हारा ही गंदगी उठा रहा है. मेन बात तो ये है कि अभी भी हमें कहीं कहीं जगहों पे ये सब चीजें चलती हैं, अछूत वगैरह ये सब जितनी भी चीजें कहीं कहीं जगहों पे चलती है. अदरवाइज इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, डेवलप कर रहा है, और कहीं भी ये सब चीजें देखते हैं तो लोग उसको मना करते हैं उसी वक्त पे. ठीक है, यहाँ पे छोटी सी पिक्चर है, सन्यासियों के मंदिरों में शुद्ध प्रवेश ना करें. इसका मतलब अभी बताते हो, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें यानी कि थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें, और सन्यासियों के मंदिर यानी कि ब्राह्मण और सन्यासी और पंडितों के मंदिर में शूद्र जाति, अति शूद्र, शूद्र होती है हमारी सबसे लास्ट की जो वर्ण सिस्टम की जाति होती है वो है, साथ ही साथ अति शूद्र को अनटचेबिलिटी कह दिया जाता है, इन दोनों को ही मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं. यहीं से इस छोटी सी पिक्चर से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि उस वक्त पे कैसी चीजें प्रैक्टिस करी जाती. ठीक है, इट्स अ रियली रियली सीरियस कॉन्सेप्ट, और अभी तो इसका बिल्कुल भी कुछ नामो निशान आपको इंडिया में दिखेगा नहीं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि उस वक्त पे 200 साल पुरानी बात हो रही है कि उस वक्त पे इंडिया में ऐसी चीजें भी प्रैक्टिस करी जाती. ठीक है, इसी के साथ हमने पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. अगर आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in पे जा सकते हैं, पूरी वेबसाइट फ्री है,
MCQs आपको बुक्स मिल जाएगी और सैंपल पेपर्स और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जितनी भी रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए सब आपको वहां मिल जाएगी. ठीक है, डू चेक इट आउट, इट्स अ फ्री वेबसाइट एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एन ऑसम इंटरेस्टिंग चैप्टर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.